बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस जो मेरा था वो ये था कि क्लासरूम में जब मैं आपको पैसेज रीडिंग करवाती हूँ तो उस पैसेज रीडिंग में कई सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कारण ये है कि आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है। आपको आंसर आता है बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट सेंटेंस इन योर वर्ड्स। तो इसीलिए इस आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आ जाए, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस किस कितने तरह के होते हैं, आज उन सभी चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी पूरा वाक्य। ये वाक्य जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो एक सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स को एक सीक्वेंस वे में हम इस तरह से रखते हैं ताकि दैट मेक्स अ सेंस ऑन इट्स ओन, जिससे उसका एक कंप्लीट सेंस निकले। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वर्ड को कहीं पे भी ऐसे करके रख दें और उसका कुछ सेंस ही ना बने। सेंसलेस अगर कोई भी सेंटेंस है सो वी विल नॉट कॉल इट सेंटेंस। एक प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए वर्ड्स की, कहाँ पर हमें सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर हमें वर्ब रखने हैं, कहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, कहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉर्मल वर्ब। ये वो वर्ब होती है क्रिया, इनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स। और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट्स और अदर थिंग्स। तो इस तरह से एक सेंटेंस के लिए इतनी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें फ्रेज भी होती हैं, फ्रेज में ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो जाए, बट दैट इज़ अनदर आस्पेक्ट, वी विल टॉक इट ऑन लेटर। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंसेस। सो सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज सेंटेंसेस कैन बी सिली बट स्टिल मेक सेंस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि दे साउंड्स वेरी सिली बट उनका भी एक कंप्लीट सेंस होता है। देखिए, ये आई एम टीचिंग यू इंग्लिश बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हिंदी सो दैट यू कैन गेट मोर। मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ आपको बट आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी थिंग इन हिंदी। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर्पज़ मेरा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँ। बिकॉज NAP 2020 इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन द मदर टंग, कि हम आपको कोई भी चीज़ जो बता रहे हैं एज अ टीचर, हम आपको इस तरह से बताएं कि वो चीज़ आपको हिट कर जाए, आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहे, चाहे वो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका मदर टंग में ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। सो एग्जाम्पल है इसका, द रेनबो डॉग फ्लू ओवर द सन। ये एक सिली सेंटेंस का एग्जाम्पल है बट इट इज स्टिल मेकिंग अ सेंस। नंबर थर्ड इज अ सेंटेंस नीड्स टू हैव अ वर्ब, यानी डूइंग वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, यानी इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से एक्शन वर्ड्स। आपने एक्शन वर्ड्स पढ़े हैं क्लासरूम में कि स्लीपिंग, ईटिंग, डांसिंग, रनिंग, स्किपिंग, एवरीथिंग, ऑल दीज आर कॉल्ड वर्ब और एक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट है कि आ सेंटेंस नीड्स टू हैव अ सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, बी अबाउट समवन और समथिंग। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, राजा स्कूल जा रहा है, सुनिधि गाना गा रही है, तो इसमें जो एक्शन हो रहा है और वो जो एक्शन जो भी व्यक्ति कर रहा है वो उसका मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी काम को करने वाला। जो भी व्यक्ति उस काम को करेगा वो उसका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है ये पता लगाना है तो आप उसमें क्वेश्चन के लिए कौन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे सुनिधि गाना गा रही है, तब आप कहेंगे कि कौन गाना गा रहा है, तो आंसर होगा सुनिधि, तो सुनिधि इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप आई होप आपको मेरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी।
आगे बढ़ेंगे. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, दिस इज अ सेंटेंस. अब आप देखिए इसमें ये कंप्लीट सेंस है. यहाँ पे देयर हेल्पिंग वर्ब है, 8 प्लैनेट्स हैं, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव या प्रेडिकेट सेंटेंस हो गया है. ठीक है, तो ये इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल अ सेंटेंस. एंड हर्ट इज हिज नी, अगर केवल इतना ही लिख दिया जाए एंड हर्ट हिज नी, तो क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? करके देखिए, सोच के देखिए. नो, ऑल्दो इट इज अ सेंटेंस बट इट इज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कॉल इट अ सेंटेंस. ये कोई ऐसा, मतलब इसका कोई सेंस नहीं मिल रहा है कि किसने हर्ट किया, कहाँ हर्ट किया, मतलब कुछ भी उड़ छोड़ इसका पता नहीं चल रहा है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कॉल इट सेंटेंस. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज द हॉर्स गैलप्ड अराउंड द रेस ट्रैक. तो इसमें हमें सब्जेक्ट भी पता चल रहा है, वर्ब भी पता चल रही है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सब पता चल रहे हैं. एंड दिस सेंटेंस इज ऑल्सो मेकिंग अ कम्प्लीट सेंस, दैट्स वाई वी विल कॉल इट अ सेंटेंस. यस, ये सेंटेंस है. नाउ थर्ड वन, रेडी फॉर डिनर. ये रेडी फॉर डिनर एक नॉर्मल फ्रेज हो गई है, बट वी विल नॉट कॉल इट अ सेंटेंस. ये छोटा है, इसमें थोड़ा सा सेंस भी आ रहा है, लाइक वी विल कॉल इट फ्रेज, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंसेस हैं, वी आर नाउ गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंसेस. सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं? नंबर वन सिंपल सेंटेंसेस, नंबर सेकेंड कंपाउंड सेंटेंसेस, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं? अ सिंपल सेंटेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, साधारण जो वाक्य होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहे जाते हैं. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. सिंपल सेंटेंसेस में जनरली सब्जेक्ट होगा और उसकी वर्ब होगी, ठीक है, और जो भी थोड़ा और जो अदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रहेंगे, ठीक है, और एक कंप्लीट सेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट प्लेज सॉसर इन द मॉर्निंग. तो इसमें स्कॉट जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, प्ले हो गई वो वर्ब हो गई, यानी एक्शन वर्ड हो गया आपका, और जो ये बाकी का चीज़ है जो प्रेडिकेट पोर्शन है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया. तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है और वन वर्ब होती है. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी एक सब्जेक्ट और एक एक्शन वर्ड होगा, और बाकी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर देंगे, ठीक है. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सिंपल सेंटेंसेस में वी विल नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. जब तक कि सिंपल सेंटेंसेस में जब तक कि कोई क्वेश्चन मार्क वाला सीन ना आए, तब तक हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं. हेल्पिंग वर्ब आर लाइक प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है. प्रेजेंट का भी क्या इंडेफिनिट है, क्या कंटिन्यूस है, क्या परफेक्ट है, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसी के हिसाब से उनकी अलग अलग जो है वो वर्ब्स लगती हैं. लाइक सिंपल प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन, ठीक है. तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. आई विल सेपरेटली प्रोवाइड यू ऑल दिस थिंग्स, बट टुडे वी विल डिस्कस ऑन द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, दैट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल सेंटेंस में आपने क्या जाना कि इसको बनाते टाइम हम क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें केवल सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगी, एक ही वर्ब रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि दो चार वर्ब आप इकट्ठा डाल दें, ठीक है. आगे बढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस का उदाहरण देख लेते हैं. एग्जाम्पल है, बर्ड्स वॉश देमसेल्व्स इन आर बर्ड बात. तो जो वर्ड्स हैं ये हो गया सब्जेक्ट, और वॉश ये हो गया आपका एक्शन वर्ड यानी वर्ब, ठीक है. तो सिंपल सेंटेंस हो गया, एक सब्जेक्ट आ गया और ये एक वर्ब आ गई, ठीक है. सिंपल सेंटेंस, टॉम कैन रीड चैप्टर बुक. अब ये देखो, ये कैन फॉर्मेशन है, कैन वाले सेंटेंस जिसका मतलब सकता, सकती, सकते.
तो टॉम कैन रीड चैप्टर बुक, तो टॉम सब्जेक्ट हो गया और रीड हो गई इसकी वर्ब, एक एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया। द सिंपल सेंटेंसेस, अ सिंपल सेंटेंसेस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेम थिंग है यहाँ पे भी, जैसे एक एग्जांपल है आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को, तो आई हो गया सब्जेक्ट यानी मैं, और लिव का मतलब एक्शन वर्ड यानी वर्ब। अब ये सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए जोड़ दिया गया है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब यानी सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आती है, सो जस्ट अपना कोई जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। आज के इस वीडियो में इतना ही, आप सिंपल सेंटेंस को पहले रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी कंपाउंड सेंटेंसेस। बाय बाय बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होती हूँ, आगे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब इंजॉय करें। बाय बाय।